हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं ये दोनों इयररिंग्स को नाक में पहन कर दिखाऊंगी, और जो कान में पहनी हूँ उसको भी नाक में पहन कर दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा लाइक करना है, कम नहीं करना है, और ज़्यादा पसंद आता है तो आपको उसको शेयर कर देना है। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर दे रही हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करना है क्योंकि वैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको एक ही इयररिंग्स को नोज़ में पहन कर दिखाई थी, तो मेरा नाक का छेद देख लीजिए, दो बार छेदा गया था, नाक बंद हो गया, तीसरी बार छेदवाई हूँ और वो टीका हुआ है। तो अभी मैं उस नाक की एक छेद में मैं घुसाने वाली हूँ, 1 2 3 4, लेकिन आप अंत में देखिएगा कि मैं 4 घुसा पाई कि नहीं। नहीं घुसा पाई थी, लेकिन फिर भी देख लो मैंने कितनी कोशिश करी है। तो सबसे पहले एक नाक में डाल रही हूँ, एक नाक में पहनते हुए तो आपने वीडियो देखी थी, लेकिन अभी मैं एक पहनूँगी। उसके बाद देखिए, एक पहन ली हूँ ना, तो चलिए ये एक पहनने के बाद ये इस तरह का लुक आ रहा है। मतलब मेरा नाक कितना बर्दाश्त कर सकता है बताइए। मैं पिछले ही वीडियो में बताई थी कि ये वाली इयररिंग्स जो है काफ़ी लाइट वेट है, मैं कान में पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ही है हल्का ना, 2 3 4 करूँगी तो क्या भारी नहीं होगा? होगा ही। तो चलिए अभी एक पहन ली, एक पहनने पर कुछ ऐसा लुक आ रहा है, अब मैं दूसरा भी पहनूंगी। तो पहले उसको साइड करूंगी, तभी तो दूसरा पहनूंगी। वीडियो को आपको लाइक करना है। चलिए यहाँ पे फिर से साइड कर रही हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे पहनूँ, इधर से पहनूँ या उस नाक वाले को इधर कर दूँ फिर उधर से पहनूँ। तो यहाँ देखिए, जहाँ से मैं नाक के छेद में जैसे ही शुरू में घुसाती हूँ ना, तो घुसाने के वक्त वो पतली है, लेकिन उसके बाद ना वो उसका जो पूरा राउंड वाला है जो नाक में जाएगा पूरा गोल गोल, तो गोला जो है वो फिर बीच पे ना जहाँ से वो लॉकिंग है यानी कि दो भाग में बटा हुआ है वहाँ पे वो चपटा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और ये देखिए, ये इस तरह से करने पे दो लॉक हो चुका है। तो दो मैं पहन चुकी हूँ नाक में, देखिए यहाँ कैसा दिख रहा है दो पहनने के बाद, आईना में दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से दिख रहा है, ये छोटा यानी कि स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल है, इसमें वाइट कलर का मोती लगा हुआ है। पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन होता है ना कि जैसे पिछली वाली वीडियो कोई नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देना सही रहता है। तो यहाँ देखिए मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मेरी एक खिड़की है मेरे रूम में, तो उसी में मैं रस्सी लगा देती हूँ दो, और उसी के बीच में मैं घुसा देती हूँ अपना मोबाइल और वीडियो बनाती हूँ। देखिए ये देखिए, इस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ देखिए दो रस्सी लगी हुई है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इनको टाइट बांधती हूँ और इसी के बीच में मोबाइल घुसा देती हूँ और मैं वीडियो खड़ी होकर बना लेती हूँ। तो खैर ट्राइपॉड है यहाँ, बट खिड़की भी सही है, नेचुरल रोशनी मिलती है और लाइट वगैरह उतना ज़्यादा यहाँ गाँव में तो मिलता नहीं है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे गांव पे वीडियो बनाती हूँ और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देती हूँ। चलिए दो पहन ली हूँ, अभी 3 4 पहनना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं खोल ली हूँ ये वाली इयररिंग्स, ये खोलूँगी क्योंकि वो ये तो बालों से छिप जा रही है, तो जो छिप रही है उसी को पहले खोल के पहन लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए बड़ी है थोड़ी, उसको पहनना है। फिर से मुझे लग रहा है कि इधर से पहनूं कि उधर से पहनूं, मन में यही चल रहा था। अगर आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी है ना तो आप देख लीजिए, मैं 1 साल पहले डाली हूँ, 1.5 साल हो गए उस वीडियो को डाले हुए, जब मैं अपनी रियल स्टोरी बताई थी कि मेरी नाक ज़बरदस्ती कैसे छेदी गई थी बचपन में, जब मैं रही होंगी 5 6 साल की, शायद रही होंगी 5 6 साल की ही थी उस वक्त, मुझे दो तीन औरतें पकड़ करके हर बार मेरा नाक जो है ना वो छेद देते थे, और दो दो बार मैं
अपना नाक का छेद बंद कराई हूँ, मतलब कि नाक में जैसे वो तार से छेदा जाता था और जब 20 दिन के बाद उसको काट के हटा दिया जाता था, उसके बाद सीक यानी झाड़ू का सीक या कोई भी लकड़ी डंटी कुछ भी पतली सी डाली जाती थी तो उसी को रखना रहता है, लेकिन मैं रखती नहीं थी, उसको फेंक देती थी। और इसकी वजह से 2 बार नाक छेदा हुआ मेरा, बंद हो गया, और ये 3री बार छेदा गया है। और 3री बार तक मैं समझदार हो गई थी। और ठंड में ही नाक छेदी जाती है, गर्मियों में नहीं। गर्मियों में क्या होता है ना कि नाक पक जाता है, पस बन जाता है, और अच्छा बार बार पकेगा तो फिर दर्द भी तो देता है नाक, तो ठंड में ही हमारे तरफ नाक छेदा जाता है। अभी तो काफ़ी सारे वैरायटीज़ आ गए हैं नाक छेदने के, गन वाला है और भी हैं। देखिए कोशिश हो रही है नाक में घुसाने की, अब आप ही लोग देखिए कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। 2 पहन चुकी हूँ, 3रा पहनने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से तो घुस जा रही है थोड़ी सी, लेकिन और बहुत अंदर आना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और मेरी जो जान है ना वो भी निकली जा रही थी। फिर से कोशिश कर रही हूँ। एक पहनना आसान है, दूसरा भी पहनना थोड़ा आसान है, लेकिन 3रा पहनना मुश्किल और चौथा तो बहुत ही मुश्किल। देखिए कैसे पहन रही हूँ। अभी भी नहीं पहन पाई हूँ मैं। अब मैं फिर से यहाँ कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि इस बार अटता है, घुसता है या नहीं घुसता है। कोशिश करना काम है। मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था जब मैं इसको पहन रही थी। देखिए अंदर थोड़ी सी घुस रही थी, बट जो लॉकिंग है ना वो लॉकिंग के लिए मैं दबा नहीं पा रही थी। तो मुझे मुश्किल लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मुझे लगता है कि शायद मैं 3रा भी पहन चुकी हूँ। ये देखिए 3 दिन पहन ली हूँ इतनी कोशिशों के बाद। 3 पहनने तक का तो हिम्मत हो गया और पहन भी पाई हूँ, लेकिन चौथा 4th नंबर मैं पहन पाऊँगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। तो भी 3 देखिए 3 लटक रहा है मेरे नाक में। और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ पहनते पहनते। देखिए कैसा डिज़ाइन लग रहा है। तो आजकल के टाइम में ना ऐसा है कि आप कुछ भी पहन लो वही फैशन है, कुछ भी डाल लो नाक में, कपड़े कुछ भी पहन लो वही फैशन बन जाता है। आप अधिकतर मॉडल को देखते हो कि वो कुछ भी पहन लेते हैं वही फैशन बन जाता है। तो चलिए आज मैं ये पहन ली हूँ यही फैशन मान लीजिए, और आने वाले टाइम में अगर कोई नया कुछ खोजे तो ये भी पहना जा सकता है नया स्टाइल। तो देखिए नाक का छेद है 1 और उसमें मैं घुसा ली हूँ 3-3। क्या हालत रही होगी मेरे नाक की। तो चलिए अभी मैं एक और कान का खोल रही हूँ, इसको भी पहनने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे पता है कि ये नाक में नहीं घुसेगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था ना कि शायद थोड़ा सा ऐसे घुस जाए। तो मैं चौथा भी ईयरिंग्स को घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। दर्द मुझे दे रहा था थोड़ा सा ही से, फिर भी मैं इसको पहन रही थी। अब मुझे ये सोचना था कि इधर से पहनूं या उधर से पहनूं। एक हाथ से पहन पाऊंगी क्या। मैं उसका नाक का जो छेद है ऊपर से दिख रहा था मुझे कि शायद अंदर चला जाए, थोड़ा सा भी उसको जगह मिलता है तो अंदर जा सकता है, तो थोड़ा सा उम्मीद था इसलिए मैं पहन भी रही थी। और मुझे लगा कि बिना कोशिश किए मैं किसी काम को छोड़ नहीं सकती हूँ। मान लेती हूँ 3 महीने घुसा दिया, अब मैं सोच लेती हूँ कि नहीं 3रा मतलब 4th नंबर ईयरिंग्स घुसेगा ही नहीं तो क्या पहनूँ, तो ये गलत बात है। जब तक हम लोग कोशिश ना करें तब तक पीछे हटना नहीं चाहिए। तो मैं 4th नंबर भी लेकर के कोशिश करने लगी। चलो कोशिश करके ही हार जाऊँगी तो वो ठीक है, लेकिन पहले ही मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ।
कि मैं नहीं पहनूंगी। तो देखिए यहाँ पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पहन पाती हूँ या नहीं। और मुझे दर्द भी हो रहा था, मैं सोच रही थी कि बिना देखे ही पहन लेती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पहन नहीं पा रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ। भारी तो लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक का भार सहा जा सकता है, बट तीन तीन हो जाते हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो चलिए इतना ही पहन पाई हूँ और अब मैं इसको ओपन करूँगी। और इस ईयरिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई और वीडियो आप अगर चाह रहे हैं तो आप मुझे बताइए, देखती हूँ अगर और कुछ बन पाता है। अगर आप लोगों के दिमाग में और कुछ है एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो आप मुझे बता सकते हैं। इसको पहनते पहनते ना मेरा नाक दर्द होने लगा था, बस इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं थी। आप देख सकते हो जब थोड़ा दर्द होता है तो किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं आती है, वैसा ही हाल कुछ है। तो चलिए खोल ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहन कर दिखा ही दी तो अब खोलना भी मेरा काम है, तो मैं खोल रही हूँ इसको। तो चलिए खोल दी, अभी मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब क्या कहूँ। अब मैं अपना जो रोज का पहनती हूँ उसको पहन रही हूँ। चलिए बाय बाय दोस्तों।